तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है तो उसे काले या सांवले लड़के कैसे पटाए, या फिर अगर आपको कोई लड़की पसंद है और उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो आप उसे कैसे हासिल कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई अननोन लड़की पसंद आ गई है और आपको कहीं से पता चला कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है तो उसे आप कैसे पटा सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो स्पेशली काले या सांवले लड़कों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद काला हूँ। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। पहला, अगर आपकी कोई फ्रेंड है और उसे आप अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो बट उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो उसे गर्लफ्रेंड कैसे बना, या फिर उसे कैसे बटाए। दूसरा, अगर आपको कोई अननोन लड़की पसंद आ गई है बट आपको कहीं से पता चला है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो उसे कैसे पटाए। और तीसरा और आखिरी, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो लड़की आपको बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो पहला टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है और उसे आप अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो बट उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो उसे कैसे पटाए, या फिर उसे कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। तो उसके लिए आपको पहली चीज जो करनी है वो है कि आप ये पता लगाओ कि वो अपने रिलेशनशिप में खुश है या नहीं, या फिर वो लड़की जो चाहती है उसका बॉयफ्रेंड हर वो खुशी उसे दे रहा है या नहीं। तो वो आपकी फ्रेंड है तो आप ये खुद से पता लगा सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आप उससे ये डायरेक्ट जाकर मत पूछना कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तुम अपने रिलेशन में खुश हो या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसको फालतू का शक हो जाएगा कि ये बंदा अचानक मेरे रिलेशनशिप के बारे में क्यों पूछ रहा है। इसलिए आप उससे ये इनडायरेक्टली पूछना, आप उससे इस तरह से पूछना कि आपको उससे पूछना भी ना पड़े और वो खुद सामने से आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दे कि वो खुश है या नहीं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप उससे ये बोलना कि तुम्हें पता है मेरी अंजलि नाम की एक फ्रेंड है जो अभी फिलहाल रिलेशन में और वो हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, और उन्हें मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ कि देखो इन दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, ये लोग हमेशा खुश रहते हैं और कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। और ये बोलने के बाद बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रही है। अगर वो आपको बोलती है कि हाँ हम लोग का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने रिलेशन में बहुत ही खुश है। और अगर आपको वो ऐसा बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हर रिलेशन में झगड़े होते हैं और हमारे रिलेशन में भी झगड़े होते ही रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आप उससे ये भी बोल सकते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह रिलेशन में आना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूं लोग रिलेशन में आने के बाद इतने खुश क्यों हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो जन्नत में आ गए हों। और अगर आपको लड़की ऐसा बोलती है कि हाँ 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 तुम भी आ जाओ रिलेशन में बहुत ही मजा आता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने रिलेशन में बहुत ही खुश है, बहुत ही मजे कर रही है। और अगर वो आपको ऐसा बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप में आना मतलब अपने हाथों से जहर खा लेना, दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दिन भर रोना धोना लगा ही रहता है, तो अगर वो लड़की आपको ऐसा बोल रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने रिलेशन में खुश नहीं है। तो यहाँ पर आप उससे ये पूछ सकते हो कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हो गया है। तो अगर आप उसके अच्छे दोस्त होंगे तो वो आपको सब बता देगी कि हाँ ये बात है, ऐसा ऐसा हुआ है। अब दूसरी चीज आपको करनी है कि मौके पे चौका मार दो, मतलब अभी आपको ये पता लग गया है कि वो अभी अपने रिलेशन में खुश नहीं है तो ये बहुत ही सही मौका है, उसके बॉयफ्रेंड को हटाकर खुद को उसका बॉयफ्रेंड बना लो। इसके लिए आप उसके और भी करीब आ जाओ और जितना हो सके उसके साथ रहने की कोशिश करो, उसके साथ घूमो फिरो, उसे हंसाओ और जितना हो सके उससे फोन पर बातें किया करो, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी हाल फिलहाल उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ है तो वो अभी बहुत ही अकेले फील कर रही होगी और बहुत ही दुखी फील कर रही होगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप उसके साथ रहेंगे, उससे फोन पर बातें करते रहेंगे, उससे चैट करते रहेंगे, उसकी केयर करेंगे तो वो आपसे बहुत ही खुश होगी। और जितना हो सके उसके हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करिए, जैसे अगर वो लड़की आपको बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ये गलत किया जिसके वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, तो आप उसके हाँ में हाँ मिलाना और उसे बोलना कि हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ ये, और उसके जगह अगर मैं होता तो मैं तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी नहीं करता, और उसे हर वो खुशी दो जो उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं देता था, ताकि उसे लगना चाहिए कि मैं इसे ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों ना बना लूं, ये मेरी केयर करता है, ये मेरे को सपोर्ट भी करता है, और एक तरफ मेरा बॉयफ्रेंड जो मेरे सिर्फ झगड़ते रहता है मेरी केयर ही नहीं करता। और एक चीज याद रखना कि ये सब 2 से 3 हफ्ते तक करते रहना, फिर 2 से 3 हफ्ते बाद कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसे प्रपोज कर देना और उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लेना, और हाँ सही से प्रपोज
करना जिससे कि वो रिजेक्ट ना कर सके। और अगर आपको सही से प्रपोज करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि काले या सांवले लड़के कैसे लड़की को प्रपोज करे। ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, तो ऊपर क्लिक कर उस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए अगर उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाना है तो। तो ये सब बातें तो हो गई। अगर वो अपने रिलेशन में खुश नहीं है तो आप उसके साथ ये सब कर सकते हो, बट अगर वो अपने रिलेशन में खुश है तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ यहाँ पर सही वक्त का इंतजार करना होगा। आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कि वो अपने रिलेशन में खुश ना हो, और उसके रिलेशन में एक अच्छा खासा झगड़ा होने तक आपको वेट करना होगा। क्योंकि देखो, हर रिलेशन डगमगाता है और हर रिलेशन में झगड़े होते ही हैं। और फिर जैसे ही आपको पता चले कि वो अपने रिलेशन में अभी खुश नहीं है तो बस मौके पे चौका मार देना। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगर आपको कोई अननोन लड़की पसंद आ गई है और आपको कहीं से पता चला है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो उसे कैसे पटाए? तो यहाँ पर भी आपको सेम चीजें करनी है। आपको पहले पता लगाना है कि वो अपने रिलेशन में खुश है या नहीं। अब आप उससे ये डायरेक्ट जाकर उससे बात कर ये पता तो नहीं लगा सकते हो कि वो अपने रिलेशन में खुश है या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल उसके लिए आप एक अननोन लड़के हो और वो आपके लिए एक अननोन लड़की है। तो ये पता लगाने के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि एक फ्रेंड जो आपकी भी फ्रेंड हो और उसकी भी फ्रेंड हो, तो उसके जरिए आप ये पता लगा सकते हो कि वो अपने रिलेशन में अभी खुश है या नहीं। तो अगर आपको पता चलता है कि अभी वो अपने रिलेशन में खुश नहीं है, तो यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि सबसे पहले उसे अपना एक फ्रेंड बनाओ, क्योंकि बिना फ्रेंडशिप के आप उसे अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। फिर फ्रेंडशिप करने के बाद 2 से 3 दिन तक उससे नॉर्मली बातें करना, फिर 2 से 3 दिन बाद उसकी अचानक केयर करने लगना और उसके साथ हर वो चीज करना जो मैंने पहले बताया था, फिर उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लेना। और अगर आपको ये पता चलता है कि वो अभी अपने रिलेशन में बहुत ही खुश है, तो यहाँ पर आप ये करना कि आप उससे फ्रेंडशिप जरूर कर लेना, बट उसे स्पेशल फील मत करवाना, उसकी केयर बिल्कुल भी मत करना, और एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह रहना, नॉर्मल फ्रेंड की तरह उससे बातचीत करते रहना तब तक जब तक कि उसके रिलेशन में एक अच्छा खासा झगड़ा ना हो जाए। फिर जिस दिन वो अपने रिलेशन से खुश ना हो उस दिन मौके का फायदा उठाना और मौके पे चौका मार देना। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो लड़की आपको बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसा होने का बस यही रीजन होता है कि या तो वो आपको पसंद नहीं करती है और बॉयफ्रेंड का बहाना बना रही है, या फिर आपने बिना पता लगाए ही उसे प्रपोज कर दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, या फिर बहुत चांसेस हो सकती है कि वो आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहती है। तो अगर वो लड़की आपको पसंद नहीं करती है तो उस लड़की को छोड़ो ना यार, किसी और लड़की पर ट्राई करो। दुनिया में बहुत सी लड़की है जो आपके लायक है, एक लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपने बिना पता लगाए उसे प्रपोज कर दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो इस सिचुएशन में आप एक काम करना, आप मेरी वो वीडियो देख लेना कि लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं, फिर वो वीडियो देखने के बाद एक बार फिर उसे प्रपोज करना, बट इस बार तभी करना जब वो अपने रिलेशन में खुश ना हो। और अगर वो आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहती है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और अगर आपको पता नहीं है कि फ्रेंड जोन होता क्या है, तो इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूं कि फ्रेंड जोन होता क्या है और ये इतनी खतरनाक चीज क्यों है और इससे बाहर कैसे निकला जाता है। तो अगर आप फ्रेंड जोन में हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन यानी घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से हर काले या सांवले लड़के की मदद हो सके। और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में शाम 5 बजे। तब तक के लिए लड़की को पटाइए मत, उसे अपना दीवाना बनाइए।